केसी वेणुगोपाल जी, पी चिदम्बरम जी, दिनेश गुंडूराव जी, गिरीश चोदांकर जी, दिगंबर कामत जी, फ्रांसिस्को सर्दिनिया जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, और जो बाहर खड़े हैं आपका भी आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गोवा का चुनाव है और आपको मन बनाना है आपकी सरकार कौन चलाएगा। सच्चाई ये है बीजेपी की सरकार है और टक्कर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है, बाकी जो पार्टियां हैं वो टक्कर में नहीं है। तो आज मैं आपको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में और हम गोवा की सरकार को किस प्रकार चलाएंगे, हम में और उनमें बीजेपी में क्या फर्क है, सोच में क्या फर्क है, काम करने के तरीके में क्या फर्क है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपको याद होगा बहुत साल पहले जो यहां हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं कि जब गोवा को ये डिसाइड करना था कि गोवा महाराष्ट्र से जुड़े या गोवा अलग रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने गोवा की जनता से यह सवाल पूछा था। पहली बार गोवा में ओपिनियन पोल हुआ था, आपको याद है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने निर्णय नहीं लिया, गोवा से पूछा आपका प्रदेश है आप क्या चाहते हो, और आपने निर्णय लिया कि आप अलग रहना चाहते हो, और जो आपने ओपिनियन पोल में बोला वही कानून बना। तो मैं सबसे पहले आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, और सिर्फ मैं नहीं, स्टेज पे हमारे सब नेता जो बैठे हैं, हम सब मिलकर आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो गोवा की सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी की नहीं, गोवा की जनता की सरकार होगी। हमारा काम जो आप चाहते हो, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए जो आप चाहते हो उसको करना हमारा काम, और अगर हम सचमुच में आपकी सेवा करना चाहते हैं तो ये काम बिना आपसे बात किए, बिना डिस्कशन के, बिना चर्चा के नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा फर्क यह है कि बीजेपी की सरकार बिना पूछे जो करना चाहती है कर देती है, और आपने देखा है, आप बहुत उदाहरण है। आज टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग मुझसे मिले और दो तीन उदाहरण आज उन्होंने मुझे दिए, बिना पूछे, किसी से कुछ नहीं पूछा, निर्णय ले लिया, नुकसान होए कोई फर्क नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम आपसे पूछकर, और किसी एक व्यक्ति से नहीं, आप सब से पूछकर हम निर्णय लेंगे। अब गोवा के सामने दो तीन बड़ी समस्याएं हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह समझते हो, शायद आप उनको मुझसे भी अच्छा समझते हो। गोवा टूरिज्म का हब है, पूरी दुनिया में लोग गोवा को टूरिस्ट हब, टूरिस्ट सेंटर मानते हैं, सही, अमेरिका से लोग आते हैं, जापान से आते हैं, यूरोप से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, सब जगह से आते हैं, हजारों लोगों को टूरिज्म से आमदनी मिलती है। तो या टूरिज्म होगा या फिर पोल्यूशन होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती, या टूरिस्ट हब बनेगा या फिर कोयले का हब बनेगा। अगर आप गोवा को कोयले का हब बना दोगे, कोयले का सेंटर बना दोगे, जिससे गोवा को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर जो टूरिस्ट यहां आते हैं वो कहेंगे, भैया हाथ जोड़ के कहेंगे, भैया हम कहीं और चले जाते हैं, हमें कोयला नहीं अच्छा लगता, हमें कोयले के हवा में सांस नहीं लेनी, चले जाएंगे। तो हम गोवा को कोयला का हब, कोल हब नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। टूरिज्म में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, हम उन सब से बात करके, चाहे वो छोटे बिजनेस वाले हों, चाहे वो शैक चलाने वाले हों, चाहे वो होटल ओनर्स हों, चाहे वो स्कूटर चलाने वाले लोग हों, चाहे वो टैक्सी चलाने वाले लोग हों, हम सब से बात कर निर्णय लेंगे। तो एक प्रकार से हमारी कांग्रेस पार्टी की और आपकी पार्टनरशिप बनेगी, मिलकर हम गोवा को आगे ले जाएंगे। देश में जो हो रहा है आपको मालूम है, कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया और भाषण में मैं कहा कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक हिंदुस्तान चुने हुए अमीर लोगों का, अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे उद्योगपतियों का, उसमें चमकते हुए घर, मर्सिडीज गाड़ी, हवाई जहाज, जो भी आपको चाहिए उस अमीर हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगा। उस हिंदुस्तान में कानून से कुछ लेना देना नहीं, अगर आपको कुछ बनाना है, घर बनाना है, बनाओ, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, अमीर हिंदुस्तान, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान। दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान, बेरोजगार हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में आपको ना शिक्षा मिलेगी, ना कोरोना के समय आपको स्वास्थ्य मिलेगा, अस्पताल नहीं जा पाएंगे, रोजगार नहीं मिल सकता,
छोड़िए मनरेगा भी नहीं मिलेगा, 100 दिन की गारंटी जो कांग्रेस देती थी वो भी नहीं मिलेगी। और मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा कि ये देश एक है, इस देश के अंदर दो देश नहीं बन सकते हैं। अब आप देखिए नोटबंदी की, 1000 रुपए 500 रुपए का नोट रद्द किया, जो छोटे दुकानदार थे, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग थे, सबके सब बर्बाद हो गए, गरीब लोगों को चोट लगी। आप सब बैंक में गए, बैंक के सामने आप खड़े हुए थे, याद है आपको, गए थे नोटबंदी के समय, गए थे ना, खड़े थे लाइन में, आपने एक अमीर आदमी देखा? नोटबंदी की लाइन में एक अमीर व्यक्ति खड़ा था? एक नहीं खड़ा था, गरीब हिंदुस्तान पूरा का पूरा बैंक के सामने खड़ा था। आपके जेब में से पैसा निकाला और अरबपतियों को दिया, उनका टैक्स माफ किया। जो छोटे छोटे कंपनियां चलाते थे वो सब कंपनियां बंद हो गई, जो चाय की दुकान चलाते थे उनका जबरदस्त नुकसान हुआ, और जो बड़े बड़े अरबपति थे 5-10 उनको पूरा का पूरा फायदा मिला। उसके बाद जीएसटी लागू करते हैं, गलत जीएसटी, 4-5 अलग अलग टैक्स, फायदा किसको हुआ? अमीर हिंदुस्तान को, 10-15 बड़े बड़े उद्योगपतियों को। हर एक बिजनेस में आपको उनके नाम दिखाई देंगे, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो। अब कृषि के बिजनेस में उनको डालने की कोशिश कर रहे हैं, 3 नए कानून लाए, पंजाब के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने लड़ाई लड़ी, कानूनों को रद्द करवाया। तो पूरा का पूरा फायदा उन्हीं 10-15 लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे कोयला का काम हो रहा है, फायदा किसको जा रहा है? गोवा की जनता को मिल रहा है क्या फायदा? नहीं, उन्हीं 2-3 लोगों को फायदा मिलता है। तो हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमारी सरकार गोवा में जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी सरकार होगी और पूरी मदद हम उन लोगों को करेंगे। एक ऐतिहासिक निर्णय गोवा में हम ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ था, वहां भी हमने ये शुरुआत की है, और गोवा में हम एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं। जो दो हिंदुस्तान की बात कही, मैंने कहा दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, तो हम आपके लिए, गोवा के गरीब लोगों के लिए न्याय स्कीम लाए हैं। न्याय का मतलब हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा हर महीने। आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर गोवा में रहते हो, गरीब हो, कमजोर हो, 6,000 रुपए हर महीने, 72,000 रुपीज साल के आपके बैंक अकाउंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को भूखा जाए, हम ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी रात को घबराए कि मैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज पाऊंगा। तो हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक गोवा बनाना चाहते हैं, सबको हम जोड़ेंगे, मिलकर जो भी होगा मिलकर होगा, और फोकस हमारा रोजगार पे होगा। हम जानते हैं रोजगार किस प्रकार से पैदा किया जाता है, कांग्रेस पार्टी समझती है, हमने किया है और हम एक बार फिर आपको करके दिखा देंगे। और आपने देखा है, आपने देखा पिछले सालों में कोरोना के समय क्या हुआ, आपने देखा बीजेपी ने रोजगार के लिए क्या किया, आपने देखा टूरिज्म के मामले में उन्होंने क्या किया, आपने देखा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। बीजेपी की सरकार बिल्कुल फेल है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो डिफेक्टर्स हैं, जिन्होंने धोखा दिया, उनको हम टिकट नहीं देने वाले हैं, और वो हमने वायदा किया था, और इस बार हमने नए लोगों को टिकट दिया है, और फुल मेजोरिटी से, पूरी मेजोरिटी से गोवा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रहे हैं। मगर एक मदद हम आपसे चाहते हैं, गोवा की जनता से चाहते हैं, और इसके बारे में मैंने शुरुआत में बोला, लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, बाकी पार्टियों के बीच में नहीं है। तो आप अपना वोट जाया मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना वोट जाया करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होने वाला है। हम चाहते हैं कि फुल मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बने। हर एक वोट कीमती है, हमें फुल मेजोरिटी चाहिए, तो आपको वोट जाया नहीं करना, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, मिल के लड़िए, और एक नया गोवा, एक नई सरकार जो आपसे मिलकर, आपकी बात सुनकर निर्णय ले, उसको आप गोवा में लाइए। यहाँ आकर मुझे खुशी हर बार होती है, सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगती है कि मैं आता हूँ, 1 या 2 दिन के लिए आता हूँ और फिर चला जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ शायद मैं अगली बार आऊँ, चुनाव के बाद आऊँ, तो मैं 1-2 दिन के लिए ना आऊँ, 7-8 दिन के लिए आऊँ। यहाँ पे जो आपका जो सुंदर प्रदेश है, इसमें मैं थोड़ा समय आपके साथ रहूँ, तो चुनाव के बाद मैं जरूर आऊंगा और थोड़ा और समय आपके साथ यहाँ मैं रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप ये बात समझिए कि यहाँ पे आपके गोवा के लीडर्स हैं, ये आपकी सेना है, मगर मैं आपका दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और जो भी आप मुझसे चाहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो आप खुल के जब भी आप कुछ चाहें मुझसे, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मुझे आप कहिए कि देखिए गोवा की जनता के सामने ये हमारा कष्ट है, हमें आपकी मदद चाहिए, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।